हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसका पार्ट नंबर फोर्थ। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? How much does a person have to pay for traveling a distance of 55 किलोमीटर? एक शहर में टैक्सी के कुछ फिक्स चार्जेस हैं किसी भी एरिया में और चार्जेस पर किलोमीटर हैं। तो यहाँ पर दो चीजें जो हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए है, लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज एक्स और सेकेंड चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 1। अब फिक्स और वेरिएबल चार्जेस के बारे में बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। उसमें कहा गया है कि जो एक्स रुपीज है वो फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे कि हमने एज्यूम किया है वो हमारे फिक्स चार्जेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ट्रेवल करता है तो सबसे पहले वो टैक्सी बुकिंग कराता है, तो टैक्सी को हायर करने के रुपीज 50 मान लेते हैं, ये हमारे फिक्स चार्जेज है। अगर कोई इंसान उसके बाद 1 किलोमीटर जाता है तो हम पर किलोमीटर चार्जेस मान लेते हैं रुपीज 10 पर किलोमीटर चार्जेस, तो उसका बिल बनेगा रुपीज 60। इसको कोई चेंज नहीं करेगा, चाहे कोई 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए, ये 50 रुपीज फिक्स है, ये हमारे फिक्स चार्जेज है। अगर कोई 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसका बिल बना रुपीज 70। किसी ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 50 रुपीज हमारे फिक्स है, ये हमारे फिक्स चार्जेस है, तो उसका बिल बनेगा रुपीज 80। तो जो 50 है ये है हमारे फिक्स्ड चार्जेस। अब हमने कैंसिल किया, हमारे फिक्स चार्जेस है एक्स और चार्जेस पर किलोमीटर है रुपीज वाई। तो जो फर्स्ट पर्सन के चार्जेस दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने टैक्सी बुक की तो एक्स रुपीज तो वो देगा ही, ये फिक्स है। 1 किलोमीटर के अगर वाई रुपीज हैं तो 10 किलोमीटर के चार्जेस हुए 10y और उसका बिल बना रुपीज 105। कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे व्यक्ति ने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी ने की, तो एक्स तो फिक्स चार्जेस है और 15 किलोमीटर के चार्जेस 15y ये पर किलोमीटर है और उसका बिल बना 155। अब हमने जो सॉल्यूशन अब तक किया है वो दो मेथड से किया है, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। किसी भी एक इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूट तैयार कीजिए, या तो एक्स का या वाई का। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से किसी का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पर अगर कह दिया कि एक्स का सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर वाई का सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप वाई की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स को यहीं पर रखते हैं और जो 10y है वो राइट में गया तो -10y, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है तो इसको सेकेंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 105 माइनस 10y, जैसे कि हमने थर्ड इक्वेशन में बनाई थी वैल्यू 15y इज इक्वल टू 155। यहां से बचा 5y इज इक्वल टू 155 और 105 राइट में गया तो माइनस हो जाएगा, ये बचा 50। द वैल्यू ऑफ वाई 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। जो वाई की वैल्यू निकली आप इसको फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो जो x है इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और जो y है उसकी वैल्यू निकली 10।
105 10 × 100 = 5, ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। आंसर को जो आपने एज्यूम किया था उसके साथ अब वैल्यू को बताइए कि 5 क्या है और 10 क्या है। तो 5 हमारा फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रुपीज 5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रुपीज 10। अब क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसका बिल क्या होगा, चार्जेस इतनी डिस्टेंस के लिए फॉर ट्रेवलिंग ट्वेंटी फाइव किलोमीटर। तो जो फिक्स चार्जेस है तो फिक्स रहेंगे, 5 रुपीज तो देने पड़ेंगे। अब 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज है तो 25 के लिए 250 और उसका बिल बन जाएगा 255 रुपीज आंसर। अब इस